हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, जैसे आप सब लोगों को पता है कि हमारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वो अब कोरोना के बाद शुरू हो चुके हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हमारी हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है। तो बहुत सारे बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि सिलेबस की, जो हमारे वैसे तो मोस्टली हमारे जो इंडिया में सबसे मोस्ट जो कंडक्ट करवाता है एग्ज़ाम SSC, तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमारे सिलेबस में टॉपिक क्या आते हैं। तो वो एक ही टॉपिक के या दो टॉपिकों के पीछे इतना ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि बाकी सारे टॉपिक्स को कवर करना भूल जाते हैं। तो गाइस, मेनली जो SSC हो गया, CHSL हो गया या UPSC भी हो गया, तो उसके रिगार्डिंग जो जो भी मेन टॉपिक हैं, और अगर आप मेरी बताई हुई ये वीडियो के टॉपिक को ही पढ़ लेते हैं तो 99% चांस है कि अगर आप ये वाले टॉपिक बहुत अच्छी तरह से कर लो तो 99% चांस है जो आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो उस एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले हमें टॉपिक क्लियर करने होते हैं। तो मोस्टली जो SSC के एग्ज़ाम में टॉपिक जहाँ से आते हैं वो आपका करंट अफेयर, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको मैथ बोलते हैं, कंप्यूटर, और एक और रह गया है गाइस इंग्लिश, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। और कंप्यूटर के जो कुछ पार्ट्स हैं वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करूँगी। अभी के लिए फ़िलहाल जो मैं आपको ये 3 हैं वो टोटली कवर अप करूँगी इस वीडियो में। तो गाइस, जो हमारे करंट अफेयर से टॉपिक आते होते हैं ना, मतलब एग्ज़ाम में जो मेन है, देखो इन्हीं में से आना है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप इनको मतलब सीरियसनेस से भी नहीं कि मतलब मेनली जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे मैं अब बैक टू बैक वीडियो बनाऊंगी इस पर जो ये टॉपिक्स हैं, तो जैसे करंट अफेयर के टॉपिक हो गए आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल। देखो अभी मैं इनको ब्रीफली नहीं बताऊंगी कि नेशनल और इंटरनेशनल में, वो क्योंकि एक वीडियो बन जाएगी। अभी जस्ट मैं टॉपिक के आपको नाम क्लियर कर रही हूँ कि नेशनल और इंटरनेशनल रिलेटेड टॉपिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, हमारी हिस्ट्री, इकॉनमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, पॉलिटिकल्स एंड इन्वायरमेंटल इशू। ये जो हमारे 8 टॉपिक हैं ये हमारे करंट अफेयर में कवर अप होते हैं। और गाइज, अगर आप ये पढ़ लो ना अच्छे से तो आपकी करंट अफेयर बिल्कुल ओके हो जाएगी, बिल्कुल। हमारा जो नेक्स्ट है वो है गाइज रीजनिंग, जो हमारी सबसे इजी और टेक्निकल और इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, इसमें भी कई बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट, जो इसमें होता क्या है, बच्चे जो उनको इंटरेस्टिंग लगता है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया या शेप या मिरर, सिर्फ वही करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता हमें हर एक चीज़, क्योंकि हर एक टॉपिक में से हमें एक या दो दो क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं और मिलेंगे ही, है ना। तो इसमें सिमिलैरिटी, डिसीजन मेकिंग, स्पेशल ओरिएंटेशन, डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, ये आपको वीडियो में गाइस दिख रहे होंगे। आप पोज करके इन टॉपिक्स को उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर अप कर लो या इन टॉपिक्स की 2-3 वीडियोस आप लोग कवर कर लो, इनके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो कर लो, तो बहुत बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक तो आपको पैटर्न पता चल जाता है, तरीका पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके रीजनिंग के टॉपिक, और इनसे बाहर मैं भी शायद एक या दो टॉपिक होगा जो इनके बाहर होगा। मोस्टली मैंने सारे कवर अप किए हैं कि रीजनिंग में से आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो गाइज ये आपको जो स्क्रीन पे सारे टॉपिक दिख रहे हैं, आप इनको एक बार उतार लें या इनको स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक है। इसके बाद आएगा गाइज आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, हमारा मैथ, जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं। और हमारे जो, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें बेसिक मैथ आता है, बेसिक, जिसमें ट्रिक्स लगती हैं, वो ज़्यादा हार्ड मैथ आपको कभी भी नहीं देते, सिर्फ बेसिक देते हैं। और बच्चे क्या करने बैठ जाते हैं कि हार्ड निकालने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। जो आपको ये सारे टॉपिक दे रखे हैं इनके भी अगर आप बेसिक कंसेप्ट भी कर लो ना, कि एवरेज को बेसिकली कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट को बेसिकली, उसके फॉर्मूला, प्रॉफिट एंड लॉस को बेसिकली कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट बेसिकली, बेस कैसे है डिस्काउंट का, मतलब छोटा सा आपने क्वेश्चन, 2-3 इसके मेथड होते हैं, अगर वो आपने वो कर लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, घबराना नहीं है। तो जैसे कि नंबर सिस्टम, आप शुरू से 8th से हमारा शुरू हो जाता है, 6th से ही नंबर सिस्टम, तो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक का जो हमारा नंबर सिस्टम हम शुरू से पढ़ते हैं, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रेशियो, अरिथमेटिकल हो जाएगा आपका, परसेंटेज, एवरेज, कितने इजी इजी मेजरेशन, जिसमें आप सारी फिगर्स करते आए हो अब तक, क्यूबॉइड, क्यूब, सर्कल, कौन, ये सब, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस, और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं गाइस। और टाइम एंड वर्क,
ये आपका मैथ्स का हो गया। और अगर गाइस ये भी आपने बहुत अच्छे से कर लिया, वैसे कईयों को होगा कि शायद इससे बाहर भी कोई टॉपिक हो, आई थिंक सो कि इससे बाहर कोई टॉपिक होंगे, यही वाले टॉपिक हैं जो मतलब मोस्टली कवर अप एग्ज़ाम में होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, तो आप ये उतार लेना। उसके बाद जो आपको मैंने बताया था कंप्यूटर, तो गाइस ये कंप्यूटर का सिर्फ एक ही पार्ट है, मैं तो यहाँ पे लिख मेंशन कर नहीं किया मैंने एमएस वर्ड का, तो एमएस वर्ड्स में से गाइस ये टॉपिक आपके बनते हैं। देखो कंप्यूटर आता सिर्फ 10 या 20 मार्क्स का होता है एसएससी के एग्ज़ाम में, वो भी अगर वो चाहें तो किसी एग्ज़ाम में देते हैं, या फिर वो इसको रिप्लेस करके इसकी जगह इंग्लिश दे देते हैं, तो डिपेंड करता है मतलब आपकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो आपकी एसएससी कंडक्ट करवाती है वो किस एग्ज़ाम में कौन सा दे दे, कंप्यूटर दे दे या इंग्लिश दे दे या दोनों दे दे मिक्सअप दे दे। तो जो कंप्यूटर के एक एक पार्ट का सिर्फ एमएस वर्ड में से ये सारे टॉपिक बनते हैं, ठीक है। हालांकि ये देखने में से इतने सारे हैं बट इनकी जो बेसिक बेसिक नॉलेज है ना तो वही है, क्योंकि कंप्यूटर अब एसएससी इसलिए देने लग गया क्योंकि सब कुछ हमारा सिस्टम जो है ऑनलाइन हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे बेस हो गया, तो कंप्यूटर की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए अब एसएससी जो है कंप्यूटर के सब्जेक्ट को भी गवर्नमेंट एग्जाम में ऐड करने लग गया है। तो गाइस इसकी अभी 2-3 पार्ट्स हो रहते हैं कंप्यूटर के, जैसे आपका पावर पॉइंट हो गया है ना, और हमारी इंग्लिश, तो ये चीज़ें मैं आपको इनके टॉपिक है जो वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी, और इसके बाद मेरी सारी वीडियोज़ आएंगी इन टॉपिक्स पे, इनको मैं ब्रीफली बताऊंगी, ब्रीफली इन दी सेंस कि ये नहीं कि आपको उलझा दूँ, सिर्फ इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं मैं वो आपको इस तरह करवाऊंगी ताकि इमीडिएटली जो मतलब हमारा तैयारी होती है ना इमीडिएटली एग्ज़ाम से पहले करने वाली, वैसे मैं आपके लिए वीडियोज़ तैयार करूँगी। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो ठीक लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।